नो वोल्ट, नो एम्पियर प्रोड्यूस करता है, सॉरी। और ये बगैर चार्ज कंट्रोलर के 18 वोल्ट डीसी बनाता है और इसमें से केबल निकल के कनेक्ट होके चार्ज कंट्रोलर में जा रही है। ये देखिएगा केबल, ये इंपोर्टेड केबल है, 4 mm साइज है इसका, सही है। और इसकी इंसुलेशन आप देख लें, वेदर प्रूफ है, बारिश और गर्मी वगैरह उसको कोई ऐसा नहीं पड़ता। ये एक चार्ज कंट्रोलर है, इसमें ये जो सिंबल बना हुआ है, ये सोलर का सिंबल बना हुआ है, ये बैटरी का सिंबल बना हुआ है और ये लोड का सिंबल बना हुआ है, सोलर के प्लस और माइनस के इंडिकेशन, बैटरी के प्लस और माइनस के इंडिकेशन और लोड के प्लस और माइनस के इंडिकेशन। तो इस तरह बिल्कुल वाजे तौर पर इंडिकेशन दी गई है। और पहले चार्ज कंट्रोलर में लगाने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बैटरी का प्लस चार्ज कंट्रोलर के बैटरी टर्मिनल के प्लस में और बैटरी का माइनस चार्ज कंट्रोलर के बैटरी टर्मिनल के माइनस में कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और डिस्प्ले पे बैटरी वोल्टेज वगैरह शो करना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये चार्ज कंट्रोलर को हमने वॉल पे इंस्टॉल कर दिया है, अब इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बैटरी के वायर जोड़ेंगे। आप ये देख रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। और यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का वायर जोड़ेंगे। वायर कनेक्ट करते ही आप देखें ये बैटरी वोल्टेज शो करना शुरू कर देता है, सही। बैटरी में इस वक्त कितनी कैपेसिटी है वो शो कर रहा है। उसके बाद हम सोलर का केबल का वायर जोड़ेंगे। ये सोलर के केबल का वायर है जो छत से डायरेक्ट नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप गौर करिएगा कि ये सोलर प्लेट का इंडिकेशन दिया हुआ है और ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। पहले हम इसमें प्लस टर्मिनल जोड़ेंगे, और बाद में माइनस टर्मिनल जो इंडिकेट किया हुआ है उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है लोड की। ये मुख्तलिफ लोड्स हैं, इसमें फ़ैन और लैंप वगैरह के वायर है। ये सारे प्लस वायर एक साथ हैं और ये माइनस वायर एक साथ। तो पहले हम ये देखें लोड का सिंबल बना हुआ है, लोड के सिंबल के पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोड के पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे। और लोड के नेगेटिव टर्मिनल में हम लोड के नेगेटिव वायर कनेक्ट कर देंगे। अभी आप देखें हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। ये हमारी बैटरी है जो इस वक्त सोलर से चार्ज हो रही है। सोलर प्लेट का इंडिकेशन आ रहा है और ये लोड का इंडिकेशन आ रहा है। अब हम लोड ऑन करके चेक करेंगे। डीसी फैन है जो हम सोलर पे चला के चेक करेंगे। देखा व्यूअर आपने, ये
हमारा कनेक्शन सक्सेस हो गया और ये फैन सोलर पे चल रहा है। इसे हम चेक करते हैं कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। देखा आपने व्यूअर्स, ये भी अच्छी तरह काम कर रही है। आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट की एक सोलर की डीसी लाइट लगी हुई है। हम इसको जला के देखते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। देखा आपने व्यूअर, ये भी सोलर लाइट अच्छी तरह काम कर रही है। देखा व्यूअर, ये किचन की लाइट है जो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। ये घर के बाहर की तरफ सीढ़ियों पर लाइट लगी हुई है। हम देखते हैं कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। बहुत अच्छी तरह काम कर रही है।